तो चीन की अर्थव्यवस्था आप लोग हिलाना चाहते हैं, उनके ऐप्स को डिलीट करके, उनकी झालड़ नहीं खरीद के, उनके खिलौने नहीं खरीद के। बहुत खूब, कहाँ से आइडिया आते हैं आप लोगों को ये सब? देखिए, चीन की अगर आपको अर्थव्यवस्था को हिलाना है तो चीन के कंपटीशन में काम करना पड़ेगा। जैसे रेस होती थी स्कूल में, आप बोलो मैं तो रेस का बहिष्कार कर रहा हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि आप रेस जीत गए, आप डर गए। अमेरिका है ना, जिस देश में मैं बैठा हूँ, ये सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है दुनिया का, और ऐसा कोई भी देश नहीं है पूरी दुनिया में जो अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं करता। यहाँ का राष्ट्रवाद फरेब नहीं है, यहाँ पे जबरदस्ती किसी को बोला नहीं जाता कि अमेरिका पापा इज ग्रेट, नहीं, ठीक है। मगर यहाँ पे जनता खुद बड़ी राष्ट्रवादी है, चाहे सरकार कोई भी हो। अभी हाल फिलहाल में मैं आपको बता देता हूँ जो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ की जनता खुद ही सामान नहीं खरीद रही चीन का बना हुआ, जैसे $1 में समझिए साबुदानी आती है, और किसी और देश से आ रही है वो $1.25 में आ रही है, $1.50 में आ रही है, वो $1.50 की खरीद रहे हैं, मगर मेड इन चाइना का नहीं खरीद रहे। हमारे यहाँ पे क्या है कि बड़े उठपटांग से चुटकुले पैदा किए जाते हैं। जो नेता हैं वो तो जुमले देते हैं, कुछ पत्रकार चुटकुले देते हैं, और आवाम उसके मजे लेती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ओलंपिक्स ऑफ बिजनेस में, ओलंपिक्स ऑफ बिजनेस समझते हैं क्या होता है? ओलंपिक्स ऑफ बिजनेस में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तब देश महान बनता है। चीन 25 साल पहले क्या था, वो कंपटीशन में उतरा, बढ़िया क्वालिटी बनाई, बढ़िया चीज़ें बनाई, सस्ती बनाई, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी थी, वहाँ के लेबर लॉज ऐसे हैं, तो पूरी दुनिया में उनका सामान बिका। हमारे यहाँ क्या है कि चिंडी चोरी बहुत है, चलता है, एटीट्यूड बहुत है कि चला लेंगे, चलता है। मैं आपको अपने ट्रेड की बता देता हूँ। हमारे ट्रेड में एक तरह का आभूषण बनता है जिसको बोलते हैं कुंदन का काम होता है, वो पहले बीकानेर में हुआ करता था किसी ज़माने में, और ये जो आए थे मुगल एम्परर्स, ये उनकी ज्वेलरी थी, वो छोड़ के गए अपनी विरासत यहाँ पे। कुंदन मीने की जवाहरात किसी भी झोरी से पूछेगा। आपको पता है कुंदन मीने की जो ज्वेलरी चाइना बनाने लग गया था, और इंडिया के जो ज्वेलर बैठे थे आउट ऑफ मार्केट हो गए थे। हमारे ट्रेड में ऐसा कोई पत्थर नहीं है जो चाइना नहीं बनाता। दूसरा, मैं आप लोगों का फरेब जो है राष्ट्रवाद का, उसका भी खुलासा कर देता हूँ। हमारे ट्रेड में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने ग्वांगजू जाके फैक्ट्री खोली थी, जो इंडस्ट्रियल एरिया है चाइना का। आप में से बहुत लोग चाइना गए नहीं है, जाके देख के आइए चाइना में किस हिसाब से काम होता है। वहाँ पे 1000 पीस का ऑर्डर देते हैं ना, तो 1000 के 1000 पीस सारे करेक्ट होते हैं, कहीं गलती नहीं निकाल सकते। मैं आपको बोलता हूँ, मेरी खुद की फैक्ट्री थी जयपुर के अंदर 2014 तक, मैंने बंद क्यों करी? बिजली नहीं आती थी 8 घंटा, एक्सपोर्ट लगाते थे, जो वहाँ पे अप्रेजर होता था उसको हर एक इनवॉइस पे पैसा खिलाना पड़ता था। ये चिंडी चोर जहाँ बैठे थे सब जगह, फिर कोई भी त्यौहार आ जाए तो कभी डाकिया आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, साहब दिवाली की मिठाई दे दो, दिवाली का ये दे दो। ये सब चाइना में नहीं होता है। चाइना में वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग वर्क है, कहते हैं, इसलिए चाइना दुनिया में कंज्यूमर मार्केट में नंबर वन था। यहाँ तक कि अमेरिका का कंज्यूमर मार्केट चाइना ने ख़त्म कर दिया था। अमेरिकन कंज्यूमर मार्केट जो था यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी अमेरिका में, वो चाइना ने ख़त्म करी थी धीरे धीरे, बिकॉज कॉम्पिटिशन के अंदर वो अमेरिका से भी सस्ता सामान बनाने लग गया था, तो अमेरिकन चाइना का सामान खरीदने लग गए थे। और आप लोग बात करते हैं झालड़ से आप चीन की अर्थव्यवस्था हिला देंगे, उनके ऐप्स जो हैं जिसपे आजकल जितने बेरोजगार लोग हैं जो कि टिकटॉक पे अपना काम करते रहते हैं, वो टिकटॉक को आप लोग डिलीट करना चाहते हैं जिससे चीन की अर्थव्यवस्था हिल जाए। मुझे लगता है जो आप लोगों को ये सुझाव देते हैं ना, उनके ऊपर का जो माला है ना, वो बिल्कुल हिला हुआ है, वो करेक्ट सुझाव नहीं दे रहे। नहीं, चीन से अगर आपको कम्पीट करना है तो उनके साथ वो ही खेल खेलिए। अगर हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं आपको, से फॉर एग्जाम्पल ये डंबल है, मैं आपको बताता हूँ, अभी डंबल है, देखो कहाँ का है, ये सुनना आप, ये डंबल 1 साल पहले खरीदा हुआ था, मेड इन चाइना, ठीक है? तो आप ये समझ जाइए कि अगर आपको कंपटीशन में उतरना है तो आपको क्वालिटी में उतरना पड़ेगा। आप लोग अभी तक बिलीव करते हैं क्वांटिटी में, क्वालिटी में बिलीव नहीं करते, दैट्स द प्रॉब्लम इन इंडिया। और किसी भी मैन्युफैक्चरर से पूछ लेगा, चाहे वो कपड़ा बनाता हो,
कपड़े बनाने की फैक्ट्रियां इंडिया में बंद हो गई, कपड़े बनाना सारा का सारा अमेरिका जितना कपड़ा खाता है वो सारा बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया चले गया। पूछिए कोई गारमेंट एक्सपोर्टर्स से क्या हाल है आज की तारीख में, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियाँ चलाना एक तरह से बहुत बड़ा काम है इंडिया में आज की तारीख में, बहुत बड़ा काम। जो लोग फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं इंडिया में, आपको सलूट है। हर जगह ट्रेड यूनियंस हैं, फैक्ट्रियाँ बंद करवा देते हैं। महाराष्ट्र में एक ट्रेड यूनियन लीडर हुआ करते थे, उनका नाम था दत्ता सामंत। उनका एक ही काम होता था, फैक्ट्रियाँ बंद कराना, लोगों को ब्लैकमेल करना। तो भाई, अगर आपको चाइना को हराना है तो चाइना के साथ कम्पीट करिए, उनके माल को बैन करके आप कुछ नहीं कर सकते, कोई अर्थव्यवस्था नहीं हिला सकते चाइना की। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही चाइना का सामान खरीदते हैं और दुनिया में कोई नहीं खरीदता? आपने बैन कर दिया तो चाइना की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी? स्क्रू डील है आप लोगों के और आपके नेताओं के, जो आपको इस तरह के सुझाव देते हैं। और जो लोग ये बात करते हैं कि झालड़ नहीं खरीदनी इस दिवाली पे, हर दिवाली पे बात होती है ना, झालड़ नहीं खरीदनी, बड़ी अर्थव्यवस्था हिल जाती है चीन की। थोड़ा समझ का इस्तेमाल करिए, कॉम्पिटिशन में उतरिए, कॉम्पिटिशन का ज़माना है, कॉम्पिटिशन से भागिए मत। समझ में आई? वो स्टार्टअप इंडिया और ये एंटरप्रेन्योर्स, डिजिटल इंडिया, क्या हुआ इसका? कुछ नहीं हुआ। अगर स्टार्टअप्स होते आज की तारीख में इंडिया में तो थोड़ी बहुत फैक्ट्रियाँ लग चुकी होती, यंग एंटरप्रेन्योर्स पैदा हो चुके होते। आज जो 24 साल 25 साल का लड़का जो रात के 3 बजे लोगों को ज्ञान बांटता रहता है सोशल मीडिया पे, उस रात को 10 बजे सोता है, सुबह अपनी फैक्ट्री चलानी थी उसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजदूरों का क्या हाल हो चुका है आप ये सोच सकते हैं, ठीक है ना? जहाँ पे मजदूरों का, जहाँ पे जिसकी, जहाँ पे एक 10 साल का बच्चा घर के नौकर को छिछी करके बुलाता हो, चुटकी करके बुलाता हो, जिसको इज्जत नहीं है लेबर की, वहाँ पे कभी भी लेबर इतनी सक्षम नहीं हो सकती कि वो चीन जैसी कंट्री से कम्पीट कर सके। और जैसे मैंने कहा, गुआंगजू जाइए, पता करिए, एयर एशिया की टिकट मिल जाती है $28,000 की, ₹28,000 की, जाइए पता करिए, देखिए कैसे फैक्ट्रियाँ चलती है। टाइम, पंक्चुअलिटी अपने देश में कभी हुई नहीं है। चाइना में अगर ऑर्डर देते हैं कि 29 तारीख को डिलीवरी चाहिए तो 29 तारीख को डिलीवरी होती है। इंडिया में नंबर वन प्रॉब्लम इस पंक्चुअलिटी नहीं है, ना नेता पंक्चुअल है, ना आवाम पंक्चुअल है, हर चीज़ डिले चलती है। और एक पुरानी फितरत है, चला लेना भाई साहब, चल जाएगा, जहाँ 800 पीस दिए वहाँ 200 और चला लेना, पीस घुसा देंगे। तो बैन करने की और डिलीट करने की ये जो कहानी आप लोगों ने डाली, इससे बाहर निकलिए और कॉम्पिटिशन में उतरिए। इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, खुद के ऐप नहीं बना सकते आप, खुद का फेसबुक नहीं बना सकते, खुद का ट्विटर नहीं बना सकते। और गजब की बात यह है, ट्विटर कंपनी में और फेसबुक में सबसे ज़्यादा आज की तारीख में इंडियंस काम कर रहे हैं अमेरिका में, और इंडिया में बैठ के वो लोग ट्विटर और फेसबुक जैसी चीज़ नहीं बना पा रहे। यहाँ तक कि जो आपकी कंपनी थी फ्लिपकार्ट, जो उसमें बंसल ब्रदर्स थे, वो भी अमेज़ॉन में काम करते थे, वो यहाँ से सीख के आए जब उन्होंने फ्लिपकार्ट डाला था वहाँ पे। समझ में आई आपको बात? इसके आगे कहानी क्या है? अभी भी अमेज़ॉन इंडिया कंपटीशन दे रहा है, अमेज़ॉन इंडिया ने कितनी कंपनियाँ खरीदी वहाँ पे, आप लोगों को पता भी नहीं है आज तक। कंपटीशन करिए, भागिए मत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।